कोरोना काळात मुंबई महापालिकेत कोविड सेंटरच्या माध्यमातून मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप होतोय. याच प्रकरणात ईडीने छापेमारीही केली आहे, तर सरकारने SIT ची स्थापना केली आहे. या कारवायांच्या माध्यमातून तत्कालीन ठाकरे सरकारकडे बोट दाखवलं जात आहे. पण आता कोरोना काळात ठाकरे सरकारनं केलेल्या कामाचं कौतुक खुद्द केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवीय यांनी केलं आहे. विशेष म्हणजे देवेंद्र फडणवीस शेजारी बसलेले असतानाच मनसुख मांडवीय यांनी हे विधान केलं आहे. त्यानंतर पत्रकारांनी यातली बातमी हेरल्याचं लक्षात येताच फडणवीसांनी त्यावर लगेच स्पष्टीकरणही देऊन टाकलं. जिस तरह से राज्य में हेल्थ के लिए काम हो रहा है, आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की तहत अच्छी तरह से कोविड के दरमियान जो यहां काम किया गया उसकी भी मैं प्रशंसा करता हूं. और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत हर डिस्ट्रिक्ट में एक क्रिटिकल केयर यूनिट खोला जाएगा. 50 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट में ऑक्सीजन की सुविधा होगी, वेंटिलेटर की सुविधा होगी. भारत सरकार अपेक्षा रखती है, चाहे भारत सरकार का पैसा हो या स्टेट गवर्नमेंट का पैसा हो, पैसा किसी का भी हो, लेकिन जिस हेतु के लिए ये पैसा दिया गया हो या तो ये पैसा आवंटित किया हो उसका अच्छी तरह से उपयोग होना चाहिए, और अच्छी तरह से उपयोग नहीं हुआ हो, उसका मिसयूज हुआ हो, तो उसकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए, तपास भी होनी चाहिए और कार्यवाही भी होनी चाहिए. थोड़ी देर पहले कहा कि महाराष्ट्र में कोरोना काल में यहाँ पे अच्छा काम हुआ जिसकी आप प्रशंसा करते हैं, लेकिन तब तो उद्धव ठाकरे की सरकार थी और अभी की जो आपकी सरकार है वो उन्हीं के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं, और उसी दरमियान जो भ्रष्टाचार हुए उसी के रिगार्डिंग अभी चौकी सीएजी की रिपोर्ट भी आई है और उसी के आधार पर अभी जांच भी चालू है. मैं कोविड के कार्यकाल का कोई विषय पर पॉलिटिक्स करना नहीं चाहूंगा. उस वक्त भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने जो मांगा सारा सहयोग किया था और अपेक्षा रखी थी कि उसका बेस्ट से बेस्ट इम्प्लीमेंट करें, और उसमें किसी को भी कचास रखी हो तो उसके सामने कार्यवाही होनी ही होनी चाहिए. जी, आपने उन्होंने की हुई बात पूरी सुनी नहीं इसलिए आपने ऐसा प्रश्न पूछा. उन्होंने कहा कि उस समय भी आयुष्मान भारत योजना के तहत अच्छा काम हुआ, ये मंत्री जी ने कहा था, इसलिए आप उसको जनरलाइज मत कीजिए.